ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये दो तीन बड़े क्रेडिबल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने शेयर की है, और इसको सुनकर मेरा पर्सपेक्टिव तो काफी हद तक चेंज हुआ है, और होपफुली आपका पर्सपेक्टिव भी शायद चेंज होगा। ये स्टोरी पीएसएल 2024 के बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काकुल एकेडमी में, काकुल मिलिट्री एकेडमी में एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान के 25-26 जो मेजर प्लेयर थे वो शरीक थे, ये उस टाइम की स्टोरी है। उस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप जो ऑर्गेनाइज किया गया था, उनमें मौजूद प्लेयर्स का यही ख्याल था कि हमारे कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी हैं, और शाहीन अफरीदी को 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाया गया था। न्यूजीलैंड के टूर में उन्होंने T20 कैप्टनसी की थी, पाकिस्तान सीरीज हार गया था, फिर उसके बाद उन्होंने पीएसएल में भी कप्तानी की, तो पीएसएल में भी वो नहीं जीत सके। तो उस टाइम शाहीन शाह अफरीदी के मुतल्लिक मीडिया पर यह खबरें चलना शुरू हुई कि शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की T20 कैप्टनसी से हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बन रहे हैं, और ये खबरें बहुत तेजी के साथ फैल रही थी और बड़ा स्ट्रांगली रिपोर्ट हो रही थी। बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में यही खबरें थी कि नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, शाहीन अफरीदी ही कप्तान रहेंगे। और उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ने जब वहां पे मैनेजमेंट में मौजूद लोगों से पूछा, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया और उनका कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शाहीन अफरीदी ही आपके कप्तान रहेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को भी खबरें मिल रही थी कि इस तरह की कोई चीज चल रही है, तो शाहीन अफरीदी ने मोहम्मद रिजवान को लिया और शाहीन अफरीदी और रिजवान बाबर आजम के रूम में गए काकुल मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनिंग कैंप में, और शाहीन ने बाबर आजम से ये कहा कि मैं इस तरह की खबरें सुन रहा हूँ कि मुझे हटाकर आपको कैप्टेंसी देने की बातें हो रही हैं, तो क्या आपसे पीसीबी ने रब्ता किया है? अगर आपसे पीसीबी ने ऐसा कोई रब्ता किया है तो आप मुझे बता दें, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं ग्रेसफुली कैप्टनसी छोड़ देता हूँ, मैं रिजाइन कर देता हूँ और आप कैप्टनसी ले लें, आप कैप्टन हूँ, मैं कैप्टन हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबर आजम को उन्होंने वहां पे ऑफर की कि मैं विलिंगली कैप्टनसी छोड़ देता हूँ अगर आप कप्तानी करना चाहते हैं या अगर आपको बोर्ड कप्तानी देना चाहता है, आप बता दें। तो बाबर आजम का जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि ना, मैं कप्तानी करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपना टाइम कप्तानी कर ली है और मैंने काफी टाइम गुजार लिया है, अब मैं एज प्लेयर खेलना चाहता हूँ, मैं कैप्टेंसी नहीं करना चाहता। तो दूसरी बात उन्होंने ये की कि मुझे कोई ऑफर भी पीसीबी की तरफ से नहीं हुई, तो इसलिए आप रिजाइन ना करें, आप कैप्टेंसी ना छोड़ें, आप कैप्टन रहें। तो ये आगे से बाबर ने शाहीन को ये अश्योरेंस करवा दी और शाहीन सेटिस्फाई हो गया कि ये सारी ड्यूमर्स हैं और ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मुझे नहीं हटाया जा रहा और बाबर आजम भी मेरे साथ हैं, वो तो खुद कप्तानी लेना ही नहीं चाहते। तो फिर शाहीन जो थे उनको हुआ कि ठीक है, मैं ही कैप्टन रहूंगा, और इस दौरान शाहीन अपनी प्लानिंग करते रहे कि T20 वर्ल्ड कप में टीम कैसे बिल्ड करनी है, क्या करना है, वो कैंप में भी इस तरह की बातों की डिस्कशन कर रहे थे। कुछ दिन के बाद पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, अभी टीम उधर ही है, अभी टीम काकुल कैंप में ही, और एक प्रेस रिलीज जारी होगी पीसीबी की, जिसमें ये कहा गया कि शाहीन शाह अफरीदी को हटा दिया गया है और बाबर आजम को कैप्टन बना दिया गया है। जब ये खबर ऑफिशियल आई तो टीम में जो कैंप में जो प्लेयर्स मौजूद थे वो भी हैरान थे, शाहीन शाह अफरीदी खुद बड़े हैरान हुए, और उन्होंने फिर बाबर आजम के पास वो नहीं गए, अब बता उन्होंने फिर रिजवान से ये बात की कि देखो, मैं बाबर के पास गया था, मैंने उसको खुद ऑफर की थी कि मैं छोड़ देता हूं अगर तुमने कप्तान बनना है, मुझे बता दो अगर कोई इस तरह की चीज है, लेकिन बाबर ने मुझे इनकार किया। और फिर ये खबरें जब सामने आई कि उस काकुल कैंप से बहुत पहले बाबर आजम की और मोहसिन नकवी की एक मुलाकात हो गई थी, और उस मुलाकात में बाबर आजम को कैप्टेंसी कंफर्म कर दी थी मोहसिन नकवी ने, बट अनाउंसमेंट लेटर ऑन होनी थी, तो फिर शाहीन मजीद दुखी हुए कि जब बाबर की मुलाकात हो गई थी तो बाबर ने उससे मुझे झूठ क्यों बोला। तो बाबर जो है वो बाबर की इस हरकत पर शाहीन बहुत अफसरदा हुए, और वो इस बात को इस तरीके से लेते हैं कि बाबर ने मुझे बैक स्टैब किया है, बाबर ने मुनाफ्त का सबूत दिया है, जब मैं फेयर होके बाबर को सपोर्ट करने के लिए तैयार था तो बाबर ने अगर कप्तानी लेनी ही थी तो मुझे कह देता, मैं रिजाइन कर देता, मैं ग्रेसफुली रिजाइन कर देता, ये मसला क्रिएट ही ना होता जो इतना ज्यादा इशू, इतना बड़ा मैस क्रिएट हुआ। तो इसको स्टोरी को सुनने के बाद, जो कि काफी हद तक क्रेडिबल लग रही है क्योंकि क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने दी है, कोई काउंटर भी इसका नहीं आया, तो फिर बहरहाल पर्सपेक्टिव ये लगता है कि शाहीन भी इतना गलत नहीं है, शाहीन के साथ भी मिस ट्रीट हुआ है, और ये जो कैप्टेंसी वाली गेम है इसमें शायद शाहीन से ज्यादा करदार पीसीबी का और शायद ज्यादा करदार बाबर आजम का होगा, क्योंकि अगर चीजों को क्लियर करके एक प्रॉपर तरीके से किया जाता तो शायद माहौल बेहतर होता।